गुजराते ब्रिज विपर्यय जे सतर्कता एबार बांगलाय नवेम्बरेर मध्ये पूर्त दफ्तरेर 2109टी सेतुर स्वास्थ्य परीक्षा करा हबे। पूर्त दफ्तरेर अधीने थाका सेतुर स्वास्थ्य परीक्षा करार सिद्धान्त नेवा हयेछे। 10 থেকে 12টি সেতু যেগুলি খারাপ অবস্থায় রয়েছে শীঘ্রই তার মেরামতি করা হবে। নবান্নে পূর্ত দপ্তরের সেতু নিয়ে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অভিষেক উপাধ্যায়। অভিষেক, ইয়ে বাতাইয়ে কে কাফি ওয়াক্ত তক ইয়ে যাহাঁ পে হাদসা হুয়া থা মোরবি ব্রিজ যাহাঁ পে টুট গিয়া থা ওয়াহাঁ গয়ে জায়জা লিয়ে তো ক্যা ক্যা চিজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়াহাঁ পে যাকার সমঝনে কি কোশিশ কিয়ে? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और वो उस साइड पे पहुंचे थे जिस साइड से एंट्री हो रही थी। देखिए यहाँ पर दो छोर हैं इस ब्रिज के। एक छोर जहां पर जिस जो एंकर पिन टूटी है और सबसे अधिक जो मौतें हुई हैं उसके बाद जो उस साइड से चल रहे थे लोग वो वहां पर गिरे हैं उसके आगे जाकर के मच्छू नदी में। वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरा वहां पर जायजा लिया। हमारी जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने उनको वहां पर जानकारी दी। एग्जैक्ट वहां सिचुएशन क्या थी ये बताया है। जो स्ट्रक्चरल चूंकि इसके पहले वहां पर एक्सपर्ट भी आए थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के, उनसे जो जानकारी मिली है वो भी उनको दी है और साथ में जो अभी तक जरूरी कदम उठाए गए हैं उन कदमों के बारे में भी बताया गया। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे उस वक्त बाकायदा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा था तो उन्होंने उसका भी पूरा जायजा लिया। अभी भी देखिए एक से दो बॉडी डेड बॉडी की होने की आशंका जताई जा रही है मच्छू नदी में। तो उन्होंने पूरा जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अभी तक का एक्शन हुआ है और साथ में जो स्ट्रक्चर को लेकर के जो बातें कही जा रही है इन सब चीजों के बारे में उनको ब्रीफिंग दी गई। पूरा उन्होंने उसको ध्यान से सुना है और कुछ निर्देश भी दिए हैं। एक बात अभिषेक ये भी हमें सूचित करिए कि ये इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कम से कम आठ से बारह महीने इस रिपेयरिंग को पूरा होने में वक्त लगना था लेकिन 6 महीने के अंदर इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। क्या किस तरह का ये आरोप है? देखिए ये जो आपने कहा है इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ठीक से रिपेयर हुआ नहीं था उसको खोल दिया गया और एक टाइमिंग की बात कही जा रही है। जो आपने अभी कहा कि 6 से 7 महीने टाइमिंग की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये जो मौका था जब इस ब्रिज को खोला गया है यहाँ गुजरात में दीपावली से लेकर के सप्तम तक त्योहार का मौका होता है। पूरा गुजरात में सब छुट्टी पर होते हैं लोग बड़ी संख्या में घूमने टहलने के लिए निकलते हैं तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में इस ब्रिज को ओपन किया गया है और उसके बाद पब्लिक आई और टिकट देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है टिकट आप 15 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। टिकट रखा गया है 17 रुपये और बच्चों का टिकट 12 रुपये और उसके बाद कोई लिमिट नहीं जितनी संख्या में लोग आते गए उनको टिकट दे करके उस ब्रिज पर चढ़ाया गया। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। दीपावली और नए साल गुजरात में नया साल शुरू होता है दीपावली के बाद उस दौरान छुट्टी में जब गुजरात ही इस समय छुट्टी के मोड में है और संडे को ये हुआ है जैसे सोमवार से कामकाज शुरू होने वाला था संडे का दिन जो था वो सबसे अधिक रश आवर था टूरिज्म के पर्पज से घूमने टहलने के पर्पज से। उसी वक्त में वहां पर इस ब्रिज में मैक्सिमम लोगों को वहां पर एंट्री दी गई है और ये अधिक से अधिक पैसा कमाने की जो आरोप लग रहे हैं उस चक्कर में बिना किसी रोकथाम के लोगों को उस पर चढ़ाया गया है।